टू फैमिली राधे राधे, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का वेलकम है आपके अपने सुनीता शर्मा ब्लॉग पर। तो आज है 15 अगस्त, और 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। और आज के दिन जो है झंडा फहराया जाता है, और स्कूल टाइम में तो बहुत बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि स्कूल में बच्चे सभी जाते हैं और वहाँ पर जो प्रोग्राम होते हैं वो भी देखने में अच्छे लगते हैं। पूरे वीडियो में बने रहिएगा, मैं कोई रेसिपी शेयर करूँगी जो मैं बनाने जा रही हूँ। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। और हाँ, एक सिस्टर का कमेंट आया था अरबी के लिए, मुझे अभी याद आ गया उनका, अरबी के। वैसे मैंने वहाँ पर जवाब दे दिया है, लेकिन उन्होंने पूछा था कि आप अरबी में कितना सीटी लगाते हो, तो ये जवाब था। लेकिन सीटी तो उसमें दो लगाई जाती हैं, लेकिन ये होता है कि आप मतलब कितनी गैस रख रहे हो। फुल गैस पर रखोगे तो उसमें थोड़ा ज़्यादा सीटी लगानी पड़ेगी, और थोड़ा मीडियम रखोगे तो मैं हल्का सा कम रखती हूँ उसको और दो सीटी लगाती हूँ। उसी में मेरी अरबी बहुत अच्छे से गल कर तैयार हो जाती हैं, और मतलब ज़्यादा एकदम घुली घुली भी अच्छी नहीं लगती हैं, तो बहुत अच्छे से गल जाती हैं। और अगर ज़्यादा सिम कर देते हैं ना, तो एक सीटी में ही अच्छे से हो जाएंगी, क्योंकि गैस के ऊपर होता है, गैस आप तेज़ रख रहे हो या कम रख रहे हो तो उसके ऊपर। और हाँ, पे मेरी पिछली वीडियो पर कई कमेंट आ रहे हैं, जो कि मेरे जो मैं वैभव लक्ष्मी का व्रत रखती थी ना, उसके लिए कमेंट आ रहे हैं। तो उसके जवाब मैं अगली नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दूंगी, क्योंकि उन्हें उन्होंने ना कई बार पूछा है मुझसे, क्योंकि मेरी पिछली वीडियो देखी है, काफ़ी टाइम पहले मैं व्रत रही थी, तो उस टाइम का कई बार कमेंट आ चुका है। और मैं ऐसा होता है ना, कभी कभी हम उसका रिप्लाई वहीं पर दे देते हैं ना, तो फिर वो हमें दिमाग से निकल जाता है। और अभी मुझे कल ही याद आया, मैंने कहा ये कई बार कमेंट, जब दोबारा कमेंट आया ना, तो फिर देखा मैंने कहा अब इसका आज बनाने जा रही हूँ मैं कस्टर्ड, और ये है केसर इलायची वाला कस्टर्ड। कई सारे फ्लेवर में आता है, जैसे कि चॉकलेटी फ्लेवर में, कई फ्लेवर में आता है, मैंगो फ्लेवर में, इस तरीके से कई सारे फ्लेवर आते हैं। और उसके लिए मैंने दूध बॉयल करने रख दिया है, और दूध इधर मैंने ये कस्टर्ड को 2 चम्मच लिया था और इसको मिला लिया है मैंने ठंडे दूध में, क्योंकि इसको घोल के ही डालना होता है, अगर हम उसमें डाल देंगे ना तो उसमें गुठलियाँ पड़ जाएंगी, तो इस वजह से इस तरीके से घोल लेना है। और इसको मैं इसमें ऐड कर दूंगी दूध में, और इसको ना चलाते रहना है, बिल्कुल छोड़ना नहीं है इसको, क्योंकि ये मतलब एकदम से गाढ़ा होता है और गुठलियाँ पड़ने का डर रहता है, तो इस वजह से इसको चलाते रहना है, क्योंकि दूध बॉयल करने के बाद ही डालती हूँ मैं इसमें। और ये बहुत टेस्टी लगता है, अगर बनाते हो तो फिर कोई बात नहीं, नहीं बनाते हो तो एक बार ट्राई करना, क्योंकि ये पाउडर रेडीमेड मिलता है। और बाद में इसमें मतलब फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हो, जैसे कि केला है और अनार है, जो अपने मन से, और अंगूर हैं, ये सब चीज़ें, सेब है, इसको कट करके इसमें बाद में, और ये ठंडा करके ही अच्छा लगता है, जैसे फ्रिज में रख दो ना, उसके बाद में ज़्यादा अच्छा लगता है ये। और देखिए गाढ़ा हो गया ना ये इस तरीके से, क्योंकि मैंने गरम दूध में डाला है ये, तो इस तरीके से गाढ़ा हो जाता है। और उसके बाद में मैं इसमें चीनी भी ऐड कर दूंगी, चीनी अभी ऐड नहीं किया मैंने, अब डालूंगी चीनी तो आराम से घुल जाएगी वो। और उसके बाद में इसको ठंडा करने के बाद में फ्रूट्स ऐड करूंगी मैंने, जो मेरे पास हैं वही डालूंगी इसमें। और ये बन चुका है, क्योंकि इसको थोड़ी देर बस बॉयल करना है, उसके बाद में इसको गैस बंद कर दूंगी इसकी, और ये बहुत झटपट से बनकर तैयार हो जाता है। अब ये कस्टर्ड में डालने के लिए मैंने ये फल कट कर लिए हैं, जैसे कि केला है और अनार है, मेरे पास यही है, सेब है नहीं है, नहीं तो इसमें सेब और भी अच्छे लगते हैं, लेकिन जो है वही डालेंगे बस। और ये भी तैयार हो चुका है, क्योंकि थोड़ा ठंडा भी हो चुका है ये, और ये रख के ना और भी गाढ़ा हो जाता है, अभी इतना ठंडा नहीं हुआ, मतलब हल्का सा ठंडा हो चुका है लेकिन, और ये देखो रख के और भी गाढ़ा हो जाता है। तो अब इसको मतलब इनको ऐड कर दूंगी मैं इसमें, जितने भी फ्रूट्स होते हैं सबको ऐड कर दूंगी।
और बहुत अच्छे लगते हैं इसमें, तो डालती हूँ इसमें। देखो इससे अनार से ना बहुत अच्छा कलर आता है, देखो जो रेड रेड कलर होता है ना वो बहुत ही अच्छा आता है। और जैसे ही हम ये सारे फल डालेंगे ना तो ये और भी गाढ़ा हो जाता है। तो इस तरीके से देखो टेस्टी सा कस्टर्ड बन के तैयार हो चुका है और टेस्टी लग रहा है ना। और अभी इसको रख दूंगी फ्रिज में, क्योंकि ठंडा होने के बाद ही अच्छा लगता है, ठंडा हो जाता है और बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद आता है ठंडा। और इसकी ना आइसक्रीम भी बन जाती है, जैसे कि इसको फ्रूट्स नहीं डालते हैं तो आइसक्रीम जमा सकते हैं, इसकी बहुत टेस्टी आइसक्रीम बनती है, पहले मैंने वीडियो में शेयर भी किया। और आज की आपको रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, और आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी से जुड़ सकते हो सुनीता शर्मा 2524, तो ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, तो आप लोग अगर मुझे फॉलो करना चाहते हो तो वहाँ पर कर सकते हो। तो चलिए आज के इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करूँगी। आई होप मेरा छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।